आज मैं आपको सिखाऊंगी परफेक्ट तरीके से रसगुल्ले बनाना। आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर से आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और बेल आइकन दबाएं। इसे दबाना ज़रूरी है ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस मिल सके। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए 2 नींबू, 2 नींबू का रस निकाल लेंगे। और इसके अंदर डाल देंगे 1 कप पानी। पूरी रेसिपी में मैंने सादा पानी यूज़ किया है। नींबू ना हो तो उसकी जगह आप सिरका भी यूज़ कर सकती हैं। सिरका आप 2 टेबल स्पून यूज़ करिएगा और उसके अंदर 1 कप पानी डाल दीजिएगा। और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। इसके लिए हमें चाहिए 1 लीटर दूध, 1 लीटर दूध। इसे हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। अब देखें दूध बॉईल हो गया है। इसके बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसके अंदर डाल देंगे 1 कप पानी। और इसके साथ जो हमने नींबू पानी का मिक्सचर बनाया था वो डाल देते हैं। तो देखें चीज और पानी अलग अलग होना शुरू हो गया है। देखिए कंप्लीट ये चीज़ और पानी अलग हो गया है। इसके बाद जो है इसमें हम डाल देंगे मज़ीद पानी। हम इतना पानी डालेंगे कि हम फिंगर से चेक करें तो पानी जो है वो हल्का सा गर्म हो। चीज़ को आपको पानी में छोड़ना नहीं है ज़्यादा देर। अगर से आपने ज़्यादा देर छोड़ा तो चीज़ कड़क हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। इसी से फौरन हम छान लेंगे। और छानने के लिए यहाँ मैं यूज कर रही हूँ मलमल का कपड़ा। जितनी चीज या डो जो है इसका सॉफ्ट होगा उतनी ही ये रसगुल्ले सॉफ्ट बनेंगे। इसे हम हल्का सा हाथ से पानी निकाल देंगे, बहुत ही हल्के हाथ से। और अब हम चीज को हैंग करके 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब 3 से 4 घंटे हो गए हैं। हम इसे हाथ से हथेली से इस तरीके से मैश कर लेंगे। ये आप देख लें इस तरीके से मैं कर रही हूँ। और हम इसे इतने हाथ से मैश करेंगे कि डो जो है स्मूथ सा हो जाए। ये हो गया है। इसके बाद बॉल्स बना लेते हैं। और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो इसके लिए हमें चाहिए
एक कप चीनी और एक कप पानी। मैं यहाँ शीरा बहुत कम बना रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसान रहे बनाना। अगर से आपके घर में ज़्यादा यूज़ हो जाता है शीरे का तो ज़्यादा बना लीजिएगा। तो 2 कप चीनी और 2 कप पानी ले लीजिएगा और शीरे को हम पकाने के लिए रख देंगे। जब शीरे का दाना पूरा मेल्ट हो जाएगा और उबलने लगेगा शीरा, इसके बाद इसके अंदर हम रसगुल्ले डाल देंगे। मेरा शीरा कम है इसलिए मैंने कढ़ाई को जो है वो साइड में करके कर दिया ताकि रसगुल्ले इसके अंदर डूबे रहें। और हम टोटल जो है वो रसगुल्लों को 30 मिनट पकाएंगे, एक साइड से 15 मिनट, फिर हम पलट देंगे दूसरी साइड से 15 मिनट, तो टोटल 30 मिनट पकाएंगे बहुत ही हल्की आग पर। अब देखिए साइज भी कितने बड़े हो गए रसगुल्ले। जितनी चीज या डो जो है इसका सॉफ्ट होगा उतने ही ये रसगुल्ले सॉफ्ट बनेंगे। तो चीज को बनाते वक्त ख्याल रखिएगा जिन बातों को मैंने आपको बताया है, तो परफेक्ट रिजल्ट के आपके रसगुल्ले बनेंगे। देखिए साइज में कितने बड़े हो गए रसगुल्ले। अब टोटल 30 मिनट हो गए हैं, इन्हें हम कंप्लीट ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये कंप्लीट ठंडे हो जाएंगे तो ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर से वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल ताकि आप आइंदा भी ऐसी क्विक एंड ईजी रेसिपीज देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।